फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज स्टडीज। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट रिपोर्ट राइटिंग इज। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे रिपोर्ट राइटिंग किसे कहते हैं। मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है, आइए इसे समझने की कोशिश करिए। अ रिपोर्ट इज एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। एक रिपोर्ट जो तैयार की जाती है या तो घटनाओं पर या फिर अनुभवों पर आधारित होती है या फिर उनके आधार पर तैयार होती है। और एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स या समस्याओं का परीक्षण होता है। प्रिपेयर्ड जो तैयार होती है फॉर द पर्पस, किसी खास उद्देश्य के लिए, ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, जानकारी देने के लिए टू सम पर्सन, किसी व्यक्ति को और पर्सन या व्यक्तियों को। कई बार संस्थाओं के लिए भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। जैसे चैनल्स के लिए न्यूज तैयार करना, अखबारों के लिए भी न्यूज तैयार करना, ये सब रिपोर्ट राइटिंग ही कहलाती है। आइए देखते हैं, अ गुड रिपोर्ट देयर फोर मस्ट बी, कि आखिर एक अच्छी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। तो पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसको भी समझेंगे। पहला है रेलिवेंट, ये विश्वसनीय होनी चाहिए। According to the needs and interest of the people, उससे भी important बात है कि जब हम कोई report तैयार कर रहे हों या किसी के लिए submit कर रहे हों तो वो report जिन तक पहुँचे उसमें इन लोगों की रुचि भी हो और उनमें इन लोगों की आवश्यकता भी हो। मज़े की बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो हमारी उस चीज़ में रुचि भी नहीं होगी। तो important thing है need, अगर वो आवश्यक है उन लोगों के लिए तो वो उसमें रुचि जरूर दिखाएंगे। नेक्स्ट है ब्रीफ, आप बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे तो ये अच्छी रिपोर्ट नहीं कहलाई जाएगी। वेरी शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ये छोटी होनी चाहिए और सारगर्भित होनी चाहिए, यानी कि कम शब्दों में आप अधिक बात अपनी रिपोर्ट में पेश कर सकें। क्लियरली एंड ऑर्डरली, एक तो क्रम में हो कि जो बात हमें पहले कहनी चाहिए वो पहले ही कहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं लास्ट में फिर हम उसके बारे में बात करें, या फिर जिसकी बात हमें लास्ट में करनी चाहिए उसके बारे में हम पहले ही बता दें। तो एक इसका एक क्रम होना चाहिए और अगर क्रम होगा तो ये अपने आप क्लियर भी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है फैक्चुअल, हमेशा ध्यान रखें जो भी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, इस सत्य पर आधारित होनी चाहिए। एंड स्टैट्स इफ पॉसिबल, अगर इसमें आप सांख्यिकीय गणनाओं को जोड़ लेंगे तो ये और भी प्रभावशाली हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाय।